नहीं। देख बेताल, विक्रम बड़ी आसानी से तेरे हर दुष्चक्र को खंडित कर दे रहा है, अब क्या करेगा तू? हाँ देख रहा हूँ, अभी उसका लक्ष्य उससे बहुत दूर है। और सुन, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। तुम उसका लक्ष्य कैसे दूर करोगे? भूल गए, वो विक्रम है, विक्रम। तुम जितना उन्हें परखोगे वो उतना निखरेंगे। ए प्रेत परी, तू कुबुद्धि जैसी क्यों बोल रही है? राजा विक्रम अपने शरीर के बिना विक्रम नहीं है, अपना शव वो जंगल छोड़ा है। आ देख, आ देख, गौर से सुन, उसका शरीर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है उसका शरीर? कोई है, कोई है जो मेरे शरीर को अंतिम संस्कार दे दे। अरे कोई भला है जो मेरा अंतिम संस्कार कर दे। भले लोगों तुम्हारा भला होगा। कोई है? कौन है जो जीते जीते अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहता है? इधर इस ओर, भले लोगों यहां हूं मैं। वो चलो उस ओर। अरे ये तो मर चुका है, फिर हमें कौन पुकार रहा था? लगता है इसकी आत्मा पटक रही है, इसकी आत्मा को शांति देनी होगी। तब तो हमें तुरंत ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। उठाओ जल्दी इसे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राजा विक्रमादित्य गया था अतृप्त सताक्षी को मुक्ति दिलाने, और स्वयं मुक्त होने जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई मेरी रक्षा करो, तू कोई है? सब मरेंगे, राजा सूर्यभान की पत्नी, उसके सगे संबंधी, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं। पता नहीं सम्राट विक्रमादित्य मृत्यु का मार्ग खोजे तब तक पहुंचेंगे। महारानी की मुक्ति का द्वार मैं खोल देता हूं। क्या? ये रक्षा घेरा तो मिट गया। सूरज भान सूर्यभान की पत्नी, उसके सगे संबंधी, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं। कोई है? देखो, मुझे मत मारो। ठहर जाइए राजकुमारी सताक्षी। राजकुमारी मुझे वचन दीजिए, जिसने हमें अलग करने का प्रयत्न किया आप उसका अंत अवश्य करेंगे। महाराज ये कैसे हो सकता है? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। राजा सूर्यभान,
इतने वर्षों से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। हत्यारे, तुमने मुझसे मेरे प्रेम को छीना है, मेरे ओजदत की हत्या की है तुमने। अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे सूर्यभान। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा शरीर किसी संकट में है? यदि हमारा शरीर समाप्त हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा, किंतु अपना मानव धर्म निभाए बिना हम यहां से कहीं नहीं जा सकते। महाकाल, मुझे शक्ति दे कि मैं शताक्षी की आत्मा को शांति प्रदान करा सकूं। राजकुमारी शताक्षी, मैं मैंने अपना वचन पूरा किया, हत्या कर दी मैंने इस सूरजभान की, मार दिया हमारे प्रेम के शत्रु को। अब हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ, पूरा हो गया। पुण्य पुरुष, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, पर मैं इतना समझ गई हूं कि आपने ये सब क्यों किया। मेरी वर्षों से भटक रही आत्मा को आपने मुक्ति दी है, हमारे प्रेम को न्याय दिया है। मैं आपकी आभारी हूं। ये जो भी था, इसका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शांति नहीं मिली, ये भूत बन गया है। भागो, भागो! मानवतावादी सम्राट विक्रमादित्य की।
मानवतावादी सम्राट विक्रमादित्य की। मानवतावादी सम्राट विक्रमादित्य की। देखा बेटा, विक्रम ने कैसे तेरी चुनौतियों का सामना किया और अपने मानवता के गुण को भी सिद्ध कर दिया। मैं तो हमेशा से कहती थी कि विक्रम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखा, विक्रम जीत गया और तू हार गया हमेशा की तरह। प्रीत परी, यदि ये मेरी हार है तो हर बार मैं हारना ही चाहता, कारण ये हार मेरी सबसे बड़ी जीत है। भद्रकाल का अंत करने के लिए मनुष्य में जो सभी गुण की आवश्यकता है, उसमें से एक को राजा विक्रम ने अभी सिद्ध कर लिया है। कहानी यही समाप्त नहीं होगी। राजा विक्रम की यात्रा अभी और लंबी होगी। क्या राजा विक्रम पूरी यात्रा पार कर लेगा या कुछ पल चलकर ठहर जाएगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। वाह वाह।